नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे खाने के चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको वेजिटेबल मंचाओ सूप की रेसिपी बताऊंगी, जो बहुत ही आसान रेसिपी है। इसके लिए जो सामग्री मैंने ली हुई है वो है तेल, कॉर्नफ्लावर 2 चम्मच पानी में, फिर काली मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, फ्रेंच बीन्स काटी हुई, हरी मिर्च काटी हुई, लहसुन काटी हुई, सोया सॉस, रेड चिली सॉस और ये विनीगर, वाइट विनीगर। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं वेजिटेबल मंचाओ सूप। पहले यहाँ पे हम थोड़ा तेल डालेंगे एक सॉस एक फ्राई पैन में, फिर हम यहाँ पे लहसुन को थोड़ा सॉफ्ट करेंगे, 1-2 मिनट के लिए लहसुन को सॉफ्ट करने वाले हैं। लहसुन थोड़ा ब्राउन होना मांगता है तो ही टेस्ट आता है सूप में। जरा जरा देख के कैसे मैं सॉफ्ट करती हूँ लहसुन को। जब ये लहसुन थोड़ा पक जावे तभी आपको हरी मिर्च डालनी है, कटी हुई हरी मिर्च, और इसको भूनना है थोड़े टाइम के लिए। इसमें डालनी है कटी हुई फ्रेंच बीन्स, फिर उसमें डालनी है थोड़ी सी नमक। नमक डाल के आपको डालनी है ये काली मिर्च का पाउडर जो आपको सौते करना है। ये सब सॉर्ट करने के बाद आपको इसमें थोड़ा 1-2 कप पानी डालना है। पानी डालने के बाद आपको इसमें आपको 1/2 चम्मच सोया सॉस डालना है। डार्क सोया सॉस डालने के बाद आपको यहाँ पे इसमें चिली सॉस डालना है, रेड चिली सॉस। रेड चिली सॉस जब भी यहाँ पे एक उबाल आ जाए, तभी आपको ये कॉर्नफ्लावर जो मैंने यहाँ पे मैंने दो चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया है, पानी के अंदर मिक्स किया हुआ है। तो जब ये मिक्स कर देंगे कॉर्नफ्लावर पानी के अंदर, और ये जब ये इसमें उबाल आ जाए तभी आपको ये मिक्स ये आपको डालना है इसके अंदर। और आपको इसको चलाते रहना है। और आखिरी वक्त आपको इसमें थोड़ी सी वाइट विनेगर डालनी है। नीचे हो गया हमारा ये वेजिटेबल मंचाओ सूप। ये सूप आप फ्राइड नूडल्स के साथ भी खा सकते हैं, या फिर आप इसको प्लेन भी सर्व कर सकते हैं। तो आप ये सूप आप एक बाउल में लीजिए।
देखो ये सूप तैयार है। ये सूप आप फ्राइड नूडल्स के साथ सर्व कर सकते हैं या बिना नूडल्स के भी सर्व करके। ये सूप आप फ्राइड नूडल्स के साथ सर्व कर सकते हैं या बिना नूडल्स के भी आप इस सर्दी के मौसम में इसका मजा ले सकते हैं। अगर आपको मेरी ये चैनल पसंद आई है तो इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।